हर एक कोई को पार्टी के संगठन में जो है भागीदारी मिले, वो हमने बताया कि वो हम लोगों ने आरक्षण जो है जैसा आपका निर्देश था उस हिसाब से हम लोगों ने काम किया, संगठन तैयार हो गया और इससे काफ़ी उनको खुशी हुई कि अति पिछड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोगों ने अकोमोडेट किया, दलित समाज के लोगों को अकोमोडेट किया और संगठन जो है प्रदेश से लेकर के सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने दुरुस्त किया है और आगे का जो कार्यक्रम है जैसे बेरोज़गारी हटाओ यात्रा, इसकी भी जानकारी हमने उनको दी है। तो बाकी सेहत को लेकर के और जो पिता और बेटे में जो बातचीत होती है जो साधारण बात वो हुई, नहीं पता चला, हम लोगों की तो बातचीत होती रहती है हमेशा और पता चला पटना में है और आज ही लौट रहे, तो हमको भी रांची से आज ही आना था पटना, इस वजह से कई दिनों से मुलाकात नहीं हो पाई, तो इनका फ्लाइट का जो टाइम था बेहतर जगह जो थी उस हिसाब से एयरपोर्ट ही थी और हमारी मुलाकात हुई इनसे। पर हम लोगों को तो, हम लोग तो साथी लोग हैं अभी से नहीं, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का बड़ा पुराना रिश्ता है और हमेशा साथ रहे हैं, दुख की घड़ी हो सुख की घड़ी हो, और आने वाला जो समय है जो चुनौतियां हैं मिल करके हम लोगों को लड़ना है और हम लोग लड़ेंगे। झारखंड भी साथ थे, दिल्ली भी साथ थे, सारे विधानसभाओं में हम लोगों ने साथ खड़े होकर के जो चुनौतियों का सामना किया है, तो हम लोग आगे वाले जो चुनाव हैं एक चुनौती के तौर पर हम लोग ले रहे हैं और हम लोग मिलजुल करके जो है आगे लड़ाई लड़ेंगे। अब देखिए हमको कुछ कहना नहीं है, नफ़रत की राजनीति बहुत हो गई और मेरे ख्याल से झारखंड के चुनाव के बाद और दिल्ली के चुनाव के बाद अभी भी लोग भाजपा के लोग जो है सबक नहीं सीखे। इनका पूरा एजेंडा ही है कि सोसाइटी को कम्युनलाइज करो। गिरिराज सिंह जी को बोलिए कि बहुत भूखमरी है देश में, गरीबी है, बेरोज़गारी है, बेबसी है, गुर्बत है, शिक्षा लोगों को नहीं मिल पा रही है, स्वास्थ्य चिकित्सा सब बदहाल है, महंगाई है, जीडीपी देश का डाउन है, आर्थिक मंदी है। जो जिम्मेदारी देश की जनता ने आपको दिया है उस पर थोड़ा काम करें। आप सीधे पाकिस्तान और इमरान खान से तो नीचे बात ही नहीं करते आप, तो इसलिए देखिए इन लोगों का और कोई काम नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जनता की सेवा नहीं, विकास नहीं बल्कि विनाश ये लोग चाहते हैं। अब इस पर हमको क्या कहें, और कुछ लोगों को नहीं मिलता। हर किसी की आस्था होती है, हर किसी की आस्था होती है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भाई उनकी आस्था हनुमान जी में है तो अपना पूजा करने गए, वैसे ही हर किसी की अपनी अपनी आस्था है, किसी धर्म में है, किसी एक भगवान में है, तो इस पर धर्म के, धर्म पर राजनीति हम क्यों करना चाह रहे हैं। जो शिक्षा, जो स्कूलें हैं, शिक्षा आप कह सकते हैं कि वहाँ शिक्षा प्राप्त करने की जगह है ना, तो शिक्षा विषय वहाँ तय है हर एक तरीके से, उस विषयों पे पढ़ाई हुआ होती है। इन लोगों का बस चले तो गुजरात में हमको लगता है एक आध स्कूल में एक सवाल पूछ दिया गया था कि गांधी जी ने आत्महत्या क्यों की, मतलब कि पूरे इतिहास को ही बदलने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे लोग, अब देश की जनता तो रो रही है कि भारी गलती हो गई, फिर से विश्वास कर लिया इन लोगों पर, तो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए देखिए इन लोगों को, जितने लोग हैं बीजेपी के, ये लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं ताकि इनका प्रमोशन होते रहे।